दोस्तों शीर्षक है नो एक्शन अगेंस्ट बीएमएस डॉक्टर प्रैक्टिसिंग एलोपैथी से एएमसी। तो गुजरात में मार्च 13, 2020 की खबर है। आप अहमदाबाद मिरर डॉट इंडिया टाइम्स डॉट कॉम पर देख सकते हो ये शीर्षक डाल के, नो एक्शन अगेंस्ट बीएमएस डॉक्टर प्रैक्टिसिंग एलोपैथी से एएमसी। एएमसी का मतलब होता है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। क्वालिफाइड आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स इन द सिटी प्रिस्क्राइबिंग एलोपैथी मेडिसन हैव रीजन टू चीयर। जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं तो गुजरात वाले, उनके रीज़न टू चीयर यानी कि उनके पास एक कारण है खुश होने का। दे विल नो लॉन्गर बी बॉदर्ड बाई हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उनको बॉदर नहीं करेगी। इंश्योरेंस कम फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन। ये इंश्योरेंस किसने दिया है? अमोल भट्ट, ड्यूरिंग कमेटी मीटिंग ऑन थर्सडे, वीरवार को दिया गया है। ही सेड ही हैज़ डायरेक्टेड द हेल्थ ऑफिशियल टू नॉट इंक्लूड बीएमएस प्रैक्टिशनर इन द ड्राइव। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने हेल्थ ऑफिशियल को कहा है कि बीएमएस प्रैक्टिशनर को जो उनके अगेंस्ट एक्शन होता था एलोपैथी यूज़ करने का, फिलहाल ना किया जाए। इन वेक ऑफ कोरोना वायरस केयर, कोरोना वायरस के दहशत में डिपार्टमेंट हैड स्टार्टेड ए ड्राइव टू क्रैक डाउन दोज प्रिस्क्राइबिंग एलोपैथिक मेडिसिन इलीगली। तो डिपार्टमेंट ने शुरू किया था कि जो लोग एलोपैथिक मेडिसिन इलीगली देते थे उन पे एक्शन हो रहा था। इन दिस ड्राइव, इस ड्राइव में नोटिस दिए जा रहे थे बीएमएस प्रैक्टिशनर्स को। तो इसके रेजिंग ऑब्जेक्शन टू दिस मेंबर ऑफ गुजरात आयुर्वेदा बोर्ड सबमिटेड ए मेमोरेंडम टू मेयर विजल पटेल को एक मेमोरेंडम दिया गया स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अमूल भट्ट द्वारा। मेमोरेंडम में अहमदाबाद मिरर के सजन्य से ये लिखा है कि उन्होंने सेक्शन 30 ऑफ गुजरात मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट 1963 का हवाला दिया, जिसमें लिखा हुआ होगा कि क्वालिफाइड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन। तो चेयरमैन हसमुख सोनी एंड जनरल सेक्रेटरी अमित नायक बोर्ड के जो हैं पार्ट ऑफ द ग्रुप, वो पटेल जी और भट्ट से पूछे, उनसे मिले। दोस्तों तो एज पर द एक्ट वी कैन प्रैक्टिस एलोपैथी, उन्होंने कहा कि एक्ट के मुताबिक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन एडिशन वो कहते हैं हमने हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में पटिशन भी डाली हुई है। एएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किए हैं बीएमएस डॉक्टर को, विच इज़ नॉट राइट। वो कहते हैं ये ठीक नहीं है। मेयर एंड चेयरमैन एक्सेप्टेड दैट इट वाज एन एरर दैट हैव शोड अस दैट नोटिस विल नॉट बी सर्व। उन्होंने ये कहा कि अब हमारे को, नायक जी ने कहा कि अब हमें आश्वासन दे दिया गया है कि बीएमएस डॉक्टर को नोटिस नहीं जाएंगे। भट्ट सेड द बी एम एस एसोसिएशन मेंबर्स हैड कम टू मीट अस। भट्ट जी ने कहा कि बी एम एस एसोसिएशन मेंबर हमारे पास आए थे। एज पर द रूल बी एम एस डॉक्टर कैन प्रैक्टिस एलोपैथी, रूल के मुताबिक वो एलोपैथी कर सकते हैं। बट बी एच एम एस प्रैक्टिशनर कैन नॉट, बी एच एम एस प्रैक्टिशनर नहीं कर सकते। अवर हेल्थ डिपार्टमेंट इशू नोटिस टू बोथ, हमारे डिपार्टमेंट ने, भट्ट जी ने कहा कि दोनों को नोटिस जारी किए। वी आई डायरेक्टेड देम नॉट टू इशू नोटिस टू बी एम एस। अब हमने कह दिया कि बी एम एस वालों को ना दीजिए। गुजरात मेडिकल काउंसिल प्रेजिडेंट नितिन वोरा जी ने कहा दोस रजिस्टर्ड विद अस कैन प्रैक्टिस एलोपैथी। अब जो एम बी बी आई डॉक्टरों की एसोसिएशन है, उनके काउंसिल ने कहा है कि जो हमारे साथ, जी एम सी ने कहा, गुजरात मेडिकल काउंसिल, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है वही एलोपैथी करेंगे। However, he did not elaborate further when asked if council had registered BMS member. जब उनसे पूछा गया कि council ने BMS आयुर्वेदिक वालों को registered किया है जो AMC कह रही है, तो वो उन्होंने इस बात पे elaboration नहीं दी।